आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ पहला कुरिन्थियों की 11वें अध्याय में आइए. First Corinthians chapter 11 verse 23 through to verses 32. पहला कुरिन्थियों के 11वां अध्याय 23 वचनों से 32 वचनों तक. This is a portion that we always read during our first whenever we partake in the Lord's table. और ये ऐसा भाग है कि जब कभी हम प्रभु भोजन में शामिल होते हैं तो ये भाग हम पढ़ते हैं. So if you have your Bibles open, Brother Rajesh will read it for us in Hindi and we can just follow. और ये अगर आपने बाइबल खोल रखा है तो इस समय पढ़ा जाएगा. पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 23 से लेकर 32 वचनों तक. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. इसलिए इसमें मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. इसी कारण तुम्हें से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे. Amen. It's quite a common portion that we've been reading for very long number of years, in fact, now. और यह सामान्य ऐसा एक मतलब प्रचलित ऐसा एक भाग है जो कई महीनों से हम इस समय पढ़ते आ रहे हैं. That portion that we read. और जो भाग इस समय हमने पढ़ा. It's all about the body and the blood of Christ. और मसीह के देह मसीह के लहू के विषय में बताता है. Now this is something that Jesus did with his disciples. ये ऐसी बात है जो चेलों के साथ यीशु ने की. Jesus took, you know, while they were having supper, the word says. और वचन कहता है कि जब वे भोजन करने बैठे हैं. So they did not gather there specially to have the Lord's table. तो वहाँ पर प्रभु भोजन करने लेने के लिए वहाँ पर विशेष तौर पर बैठे हुए नहीं थे. It was a regular gathering. और वो लगातार रोजमर्रा की वो बात थी. Hallelujah. They had just gathered there in the upper room. Jesus wanted some private time with them. और वो ऊपर उठी कोठरी में बैठे थे यीशु के साथ और यीशु को कुछ प्राइवेट समय या व्यक्तिगत समय चाहिए था. As they were having supper, और जैसे वे भोजन कर रहे थे, Jesus suddenly takes a bread. यीशु ने अचानक रोटी ली. He breaks it and he gives it to them. उसने तोड़ी और उनको दिया. And he says, "This is my body." और उसने कहा कि ये मेरी देह है. In the same way, he looks, he finds a cup. और उसी रीति से उसने उस कटोरे को देखा. He takes the cup and he gives it to them. और उस कटोरे को लेकर उसने उसे उन्हें दिया. Now they were celebrating the Passover. अब वे वो फसह को मना रहे थे. Not the first time. और पहली बार नहीं. Have been doing it for ages. और कई वर्षों तक ये ऐसा ही करते आ रहे थे. So in that regular ceremony. और उस लगातार के ऐसे उत्सव में. Jesus takes the bread and he takes the cup. और यीशु ने रोटी ली और उस कटोरे को लिया. There's something that we need to understand here. और यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो इसे हमें समझना चाहिए. The bread or the body of Christ. और रोटी या यीशु की देह. The blood. The wine or the blood of Christ. और दाकरस या यीशु का लहू. Need not be something special. It actually has to be involved in every bit of our lives. और ये ऐसा कुछ अलग या विशेष नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन के हर एक भाग में, हर एक बातों में वो शामिल होना चाहिए. That's why he said, do this in remembrance of me. और इसलिए उसने कहा कि मेरी याद में ऐसा ही किया करो. And he was asking people to remember him in something that they do at least 5 times a day, and that is eat. और ऐसा उसने कहा कि कम से कम लोग जो है दिन में 5 बार या खाने के भी समय में जब करते हैं 5 बार तो भी याद करें. और ये बहुत ही दिलचस्पी भरी बात है कि जब खाने के समय यीशु क्यों चाहता है कि वे याद करें. Because there is one thing sure that man will keep eating until the day he dies. क्योंकि एक बात की बहुत जरूर हमी है कि मरने तक मनुष्य खाता ही रहेगा. That is something that he will never forget, or that is something that he will never postpone. ये ऐसी कुछ बात है जो कभी भूलेगा नहीं या कभी आगे नहीं जाएगा. So with that food in that table. तो इसलिए उस मेज पर जो भोजन था. He takes the bread and he takes the wine and he says, "Do this in remembrance." उसने रोटी और दाखरस लिए और उसने कहा कि मेरी याद में स्मरण में ऐसा ही किया. The body and the blood of Christ has to be a part of everything that we do in our lives. मसीह की देह मसीह का लहू ऐसा है जो हमारे जीवन के हर एक भाग में हमें उसको शामिल करना चाहिए. Is anyone getting what I'm saying here, church? क्या गली से यहाँ पर कोई है जो समझ में आ रहा है? Is anyone getting what I'm saying here? मैं जो बता रहा हूँ किसी को समझ में आ रहा है? You sit in cafe coffee day and you order your cup of coffee. और कैफे कॉफी डे में आप बैठते हैं और अपनी कॉफी को आप ऑर्डर करते हैं. A cup of coffee needs to remind you of his blood. और वो कॉफी जो है वो आपको कॉफी का कप आपको यीशु के लहू का स्मरण दिलाना
चाहिए. मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है. You're involved in eating and drinking. जब कभी आप खाने और पीने में आप शामिल होते हो. That's got to remind you that Jesus is a part of me. और ये बात आपको स्मरण दिलाना चाहिए कि यीशु मसीह मेरा ही भाग है. Hallelujah. 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 He lives in me. वो मुझ में रहता है. His blood flows in me. उसका लहू मुझ में दौड़ता है. Hallelujah. Hallelujah. His flesh is a part of my flesh. उसकी देह मेरी देह का एक भाग है. As we continue to live in that knowledge. और जैसे इसी ज्ञान में हम इसे इस मनसा में हम बने रहते हैं. The presence of Jesus becomes real in our life. यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन में वास्तविक बन जाती है. Then we don't need to go seeking and searching for God. You will find him right inside yourself. और उसके बाद हमें परमेश्वर को ढूंढने और जाने की जरूरत नहीं. आप अपने आप में परमेश्वर को पाओगे. Today I want to focus on the blood. आज मैं लहू पर ध्यान लगाना चाहता हूं. Bible says in the same way he took the cup. और बाइबल बतलाती है कि उसी प्रकार से उसने उस कटोरे को भी लिया. This is the cup of the new covenant in my blood. और उसने कहा कि ये मेरी नई मेरे लहू में नई वाचा का ये कटोरा है. Jesus takes a bread compares it to his body. यीशु ने रोटी ली और अपनी देह से संबोधित किया. Takes a cup compares it to his blood. उसने उस कटोरे के लिया और उसने लहू से संबोधित किया. Blood is significant right from the book of Genesis to the book of Revelation. और लहू जो है उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है. Life is in the blood. और जीवन जो है वो लहू में है. You can lose one hand and still live. आप एक हाथ को खोकर तभी भी आप जिंदा रह सकते. You can lose both legs and still live. दोनों पांव आपके चले जाएं तभी भी आप जिंदा रह सकते. Your body can be broken and the doctor can somehow patch you up. और आपका शरीर हो सकता है कि टूट जाए और कैसे भी डॉक्टर जो है उसको सुधार ले. But if you lost blood. लेकिन यदि लहू आपका चला जाए. And still your body is intact. और फिर भी आपका शरीर बहुत ही अच्छा है. Just because you've lost all blood. और क्योंकि सारा लहू आपने गवा दिया खो दिया है. You will not have life. आपको जीवन प्राप्त न होगा. Blood is something important all through the Bible. और लहू जो पूरे बाइबल भर में बहुत ही महत्वता रखता है. When God created or God made Adam. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया. The Bible says he made him out of the dust of the ground. और बाइबल बतलाते कि पृथ्वी की मिट्टी से परमेश्वर ने उसे रचा. And he blew life into him. और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया. That life began to flow through him. और वो जीवन उसके द्वारा फिर बहने लगा. Life came into man. और जीवन मनुष्य में आया. That life now settled with the blood that flows in the veins of man. अब वो जीवन जो है उस मनुष्य के नसों में है जो उस नसों में लहू दौड़ता है. Bible says in the book of Leviticus that life is in the blood. लेवी व्यवस्था में बाइबल बतलाती है कि जीवन जो है लहू में है. So it's important for us to understand the significance of the blood of Jesus in our lives. और इसलिए यीशु मसीह के लहू की महत्वता उसकी अहमियत क्या है हमारे जीवन में उस बात को हम जानना जरूरी है. You would have heard many sermons on the blood of Jesus. और यीशु के लहू के प्रति बहुत सारे संदेश आपने सुने होंगे. But I prayerfully believe that today's sermon would be something different. लेकिन मैं प्रार्थना पूर्वक ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज का संदेश बिल्कुल अलग होगा. There are few things, maybe just three things that I want to talk to you today about the blood of Jesus. ऐसी कुछ बातें विशेष तौर पर तीन बातें जो यीशु के लहू के प्रति मैं बताना चाहता हूँ. Turn to the book of Exodus. और निर्गमन की किताब में मेरे साथ आप आइए. What does the blood do for you and me today? आज आपके लिए और मेरे लिए लहू क्या करता है. Exodus chapter 20. निर्गमन इसका 20वां अध्याय. Sorry, Exodus chapter 12. निर्गमन इसका 12वां अध्याय. That this is an incident that you and I know very well. और ये ऐसी घटना है जो आप और मैं अच्छे से हम जानते हैं. It speaks about the Passover, the first time the Lord instituted it. और ये फसह का पर्व के विषय में बताता है जहां पर पहली बार परमेश्वर ने इस फसह को निर्धारित किया. Just keep the chapter open and I'll just touch a few verses in it. और उस अध्याय को खुला रखें और कुछ बातों को मैं उसमें से देखेंगे. Children of Israel were in slavery for more than 420 years. और 420 वर्ष से भी ज्यादा वर्ष तक इसराइल लोग मिस्र में गुलाम थे. They had learned to live in their slavery. अपने गुलामगिरी में ही जीना अब उन्होंने सीख लिया था. Now Moses comes back as a deliverer. अब मूसा जो लौट कर आता है छुटकारा देने वाले. There are many miracles that are done in that place. बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो उस स्थान पर होते हैं. But nothing seems to deliver them. लेकिन किसी भी बात से उनको छुटकारा प्राप्त नहीं होता. But there is something that happened that brought deliverance in their life. लेकिन ऐसी कुछ बात हुई जिसके द्वारा उनके जीवन में छुटकारा ले आया. In about more than 420 years, और 420 वर्ष से भी ज्यादा वर्ष तक, about four generations would have passed. और चार पीढ़ियां बीत चुकी होगी. Generation after generation of children born were born and born in slavery. They grew up in slavery. They got married in slavery. They bore children in slavery and they died in slavery. और चार पीढ़ी तक वे रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ कि बच्चे जो है गुलामगिरी में ही जन्मते. गुलामगिरी में प्रोड होते बड़े होते गुलामगिरी में उनकी शादी होती गुलामगिरी में रहते हुए बच्चे होते गुलामगिरी में ही उनकी मृत्यु हो जाती. All that they knew was a slavery. और सारी बातें केवल एक ही बात उनको पता थी गुलामगिरी. When a child was born, the parents were not so happy because they knew that this child is all
सेम फेट और जब एक बच्चे का जन्म होता तो माता पिता इतना खुश नहीं होते क्योंकि वो जानते थे इस बच्चे का नसीब वही होने वाला है गुलाम Moses comes over. Musa वहाँ पर आता है. Miracles after miracles happen. चमत्कारों पर चमत्कार होते हैं. After every miracle, the children of Israel are excited. Is it now? Do we get free now? और हर एक चमत्कार के बाद इस्राएली लोग बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं. क्या वो अब होगा? क्या अब हमें छुटकारा प्राप्त होगा? The rod turns to a snake and eats up all the other snakes. It says, okay, is it now? Do we get free now? और वो लाठी जो सांप बन गया और दूसरे सारे सांपों को निगल गया और आप लोगों ने सोचा रहे अब है क्या अब हम छुटकारा पाएंगे क्या? Do we and our children get free now? क्या अब हम और हमारे बच्चे क्या हम छुटकारा पाएंगे? No, it didn't happen. नहीं ऐसा नहीं हुआ. The river turns red, the frogs come and all those things happen. Is it now? Is it now? Is it now? और वो सारी नदी जो है वो लाल बन गई और मेंढक और सारी बातें और लोगों ने कहा क्या अब होगा? क्या अब होगा? That's complete darkness. That's hail falling. There are all those pestilence around and they wonder, is it now? Is it now? Is it now? और बहुत ही अंधकार सा हो गया और जो है ओले गिरे और आग चारों तरफ थी और लोगों ने क्या क्या अब होगा? क्या अब ऐसा होगा? Nothing brought them deliverance. लेकिन किसी भी बात के द्वारा उनको छुटकारा प्राप्त न हुआ. Finally, something happened. अंत में ऐसा कुछ हुआ. Lord looked at Moses. परमेश्वर ने मूसा की ओर देखकर कहा, I need to bring the blood here now. मैं यहाँ पर अब लहू ले आना चाहता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Someone shouted Hallelujah. I need to get blood here now. मैं यहाँ पर अब लहू ले आना चाहता हूँ. Because the blood is going to change their destiny. क्योंकि लहू जो है इनके मकसद को मंजिल को बदलने वाला. Blood is going to deliver their dynasty. और मंजिल वो जो लहू है इनके मंजिल को लक्ष्य को बदलने वाला. The first thing that the blood does for you is this. और पहली बात जो लहू आपके लिए करता है वो ये delivers your dynasty. और लहू जो है आपके लक्ष्य को बदल देता है. Dynasty, your generations. और आपकी पीढ़ी को लहू जो है आपकी पीढ़ी को बदल देता है. It does not just change your life. और केवल वो आपके जीवन को ही नहीं बदलता. It changes generations after generations that come after you. लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके बाद में आती है उस पीढ़ी को बदल देता है. Moses comes to the people of Israel and he says like this. और मूसा जो है इसराइली लोगों के पास आकर इस प्रकार से कहता है. I'm not getting into the details. और मैं सफाई से इस बात पे नहीं जाऊंगा. An animal was to be slaughtered. और लेकिन वहां पर एक पशु मारा जाना था. The blood was to be taken. और वो लहू लिया जाना चाहिए था. All the family members were to go inside that house. और सारे परिवार के लोग उस घर के अंदर जाने. No one was to stand on the outside. और किसी को भी बाहर खड़ा रहने की अनुमति नहीं. Everyone from the smallest to the oldest had to be inside. और छोटे से लेकर बड़े तक सारे लोग उस घर के अंदर बाहर. The blood was now taken and put on the doorpost. अब वो लहू लेकर जो है द्वार फाटक पर चौखट पर लगाया जाता. On the doorpost. और वो द्वार के चौखट पर. Till now this family was a family of slaves. और अब तक ये परिवार जो है गुलामगिरी का परिवार था. Now the blood stands between them and their slavery. लेकिन अब उनके और उनके गुलामी के बीच एक लहू खड़ा है. The devil had put them in bondage for more than 420 years. और शैतान ने उनको 420 वर्ष से भी ज्यादा उनको गुलामगिरी में डाला था. We have lived our lives like this. और हमने तो अपना जीवन इस प्रकार से जी लिया. Our children might also live like this. हो सकता है कि हमारे बच्चे भी इसी प्रकार से जीवन जिए. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा. Let me tell you something about spiritual warfare. आत्मिक युद्ध के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ. If a father and son had an open heart-to-heart conversation. और यदि पिता और बेटे और पिता में जो है हृदय खोलकर पूर्णता से बातें होती हैं. I'm telling you something. You will find this out. और मैं आपको बताऊँ कि इस बात को आप जानोगे. As a young boy, the things that tempt me the most. और युवा एक लड़का होने के नाते जो बातों में ज्यादा मुझे परेशानी या परीक्षा हुई. It's the same temptation that my father at this age of my age would have experienced in his life. और ये वही परीक्षा है जो मेरे पिता मेरे उम्र के जब थे उन्होंने इस प्रकार से परीक्षा में रहे होंगे. और मैं युवा को पकड़कर मैं उसे पूछ सकता कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर शैतान ने उसे हराया और मैं इस बात को जान लूंगा कि उसके पिता को भी इसी बात में जो है शैतान ने devils hold upon families are from generation to generation. क्योंकि शैतान की पकड़ जो परिवार पर है वो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक होगी. He knows if a father fell in this sin, the son will easily fall in the same sin. और वो जानता है कि पिता यदि इस पाप में गिरा तो बेटा वो आसानी से उस पाप में गिर सकेगा. If the father or the mother has this weakness, the son and
the daughter will have a similar weakness. और यदि माता और पिता में कमजोरी है तो बराबर ये वो उस बेटे और बेटी में बराबर वही कमजोरी होगी. If the father or the mother has this attitude or this character, the children somewhere in their lives will get that character in them. और ये माता पिता का रवैया यदि ऐसा उनका बर्ताव ऐसा है तो अपने वो जीवन में कहीं पर तो भी उस बेटे और बेटी का रवैया और उनका जो चरित्र ऐसा ही होगा. Hallelujah. That is how spiritual slavery is. और इस प्रकार से ये आत्मिक गुलामगिरी है. And the Israelites were living in that kind of a culture. और इस्राएली लोग ऐसे प्रकार के संस्कृति में जी रहे थे. And God said it is enough. और परमेश्वर ने कहा अब बस हुआ. Let the blood come between them and their curse. और उनके श्राप के बीच में लहू आने दो. Let the blood come between them and their slavery. और उनके गुलामी के बीच लहू आने दो. What the father has suffered, the son will not suffer. और पिता ने जिस बात की दुख उठाया वो बेटा उसी बात. Where the parents fail, the children will not fail. जहाँ पर माता पिता जो है चूके हम हार गए वहाँ पर वो बच्चा उसी बात में नहीं हारेगा. Is anyone listening to me this morning? Yeah. जिन ऊंचाई पर वो माता पिता न जा सके अब बच्चा उस ऊंचाई पर जाएगा क्योंकि बीच में वो लहू आ गया. It was not their efforts. और ये उनकी मेहनत या कोशिश नहीं. It was a blood that was standing in between. ये वो लहू था जो उनके बीच में आ गया. Hallelujah. Hallelujah. I want you to use the blood of Jesus on the doorpost of your family. और मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार के द्वार चौखट पर आप यीशु के लहू का उपयोग करें. On that day when the head of the house. और उस दिन जब उस घर का प्रमुख. When I as the head of the family took blood. जब मैं घर के प्रमुख होने के नाते उस लहू को लेता. And I was applying it on the doorpost. और मैं उस द्वार के चौखट पर मैं लगा रहा हूँ. I knew that there is a change that's coming. और मैं चाहता था कि बदलावट है जो आ रही है. I have lived my life in slavery. मैंने अपने जीवन गुलामगिरी में बिताया. But my children are going to cross this door in freedom. लेकिन मेरे बच्चे जो है इस द्वार को एक आजादी में प्रवेश करेंगे बाहर निकलेंगे. I never had even one gold ring in my hand. और मेरे हाथ में एक भी सोने की अंगूठी नहीं थी. But my children will leave Egypt with bags full of gold. लेकिन मेरे बच्चे जो है मिस्र को पूर्णता से बैग पूरे सोने से भरा भर खचाखच भरा भर कर ले जाएंगे. I'm not telling a story. It's written in the Bible. मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये बाइबल में लिखा है. Some people hungry girls surprise. और कोई लोग वास्तविकता से आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं. What's that about gold, Pastor? Can you say that again? That's interesting. सोने के बारे में क्या बोला पास्टर जी, जरा और एक बार आप बताएं. Yes, it's interesting. It's in the Bible. और ये बहुत ही दिलचस्प भरी बात है, ये बाइबल में लिखी है. Hallelujah. Hallelujah. Delivers your dynasty. और वो लहू आपके वंशज को बदल देता है. Hallelujah. Hallelujah. As people who run families, we try to work so hard to change something for our children. और परिवार होने के नाते जो लोग परिवार के लिए जो है कार्य करते हैं वो बहुत ही कठिन पाते हैं कुछ बातों को स्थापित to change something for their children. और अपने बच्चों के लिए कुछ बातों में बदलावट या कार्य करने में बहुत ही कठिन पाते हैं. I have lived all my life in a small house. और मैंने अपना पूरा जीवन एक छोटे से घर में बिता दिया. So now I'm slogging like a donkey so that I can at least buy like a little bigger house for my children. और मैं गधे के जैसा बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा हूँ ताकि कम से कम मेरे बच्चों के लिए और घर खरीद. We are trying to change the circumstance for our children. और हमारे बच्चों के लिए हम परिस्थितियों को बदलने में हम लगे हुए हैं. I'm telling you, nothing works like the blood. लेकिन मैं आपको बताऊं कि लहू के जैसे दूसरी कोई भी बात काम नहीं करती. Nothing works like the blood. और लहू जैसा काम करता दूसरा कोई भी बात ऐसा कार्य नहीं. Nothing works like the blood. और लहू के जैसे दूसरी कोई भी बात कार्य नहीं कर सकती. Nothing works like the blood for your family. और आपके परिवार के लिए लहू के समान दूसरा कोई भी कार्य काम नहीं आएगा. There are young people here who know the Lord and you have parents who do not know the Lord. यदि युवा होने के नाते यदि आप यहाँ पर हो और आप प्रभु को जानते हो, आपके माता पिता परमेश्वर को नहीं जानते, you become the head of the house now. तो अब आप उस घर के प्रमुख व्यक्ति बन. The Lord chooses you to take the blood and put it on the doorpost of your house. परमेश्वर आपको चुनता है कि आप लेकर उस लहू को लेकर द्वार के चौखट पर आप लगाएं. You were in slavery of sin and the Lord has brought you out. और आप उस पाप की गुलामगिरी में थे और परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला. Now it's time for your family to come out as well. अब आपके परिवार का समय है कि उस परिवार भी उस पाप से बाहर आ जाए. Hallelujah. Hallelujah. Blood delivers your dynasty. लहू आपके वंशज को आपकी पीढ़ियों को बदल देता है. We're going to partake in the Lord's table right now. और इस समय परमेश्वर की मेज में सहभागी होने वाले. As you take that cup in the hand. और जैसे उस कटोरे को आप अपने हाथ में लोगे. I want you to look at it as a cup of change. और मैं आपको कहना चाहता हूँ
बदलावट के तौर पर उस कटोरी के Look at it as a cup that changes the destiny of your dynasty. ये ऐसा कटोरा देखे जो आपके वंश पीढ़ियों को बदलावट में ले आने वाला कटोरा. We will never be the same again. और अब बिल्कुल वैसा के वैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे. What happened till now will never happen again in the future. अब तक जो होता आ रहा भविष्य में बिल्कुल वैसा नहीं होगा. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For 420 years and more. और 420 वर्ष से भी ज्यादा तक Children of Israel just reproduced in slavery. ओ इस्राएल के लोग जो है वो जो है बढ़ते चले गए उसी गुलामगिरी में वो बढ़ रहे थे lived and they died in slavery. और वो वहीं पर जिए और गुलामगिरी में ही जिए गुलामगिरी में मर गए The blood brought them to freedom. और वो लहू ने उन्हें आजादी में ले आया and made them a nation. और उन्हें एक बड़ा देश बना दिया that stands head above all the nations even today. और वो ऐसा है कि आज भी सारे देशों से बढ़कर वो सर ऊंचे करते हुए आज भी वो खड़ा है the blood did not just work 3000 or 4000 years ago. और ये लहू केवल 3000 4000 वर्ष तक ही ये काम करता नहीं रहा the blood that they put on the doorpost of their house the Israelites the blood that they put on the doorpost of their house in Egypt और मिस्र में इसराइलियों ने जब अपने घर के द्वार चौखट पर वो लहू जो लगाया that blood is working for that nation even today. वो लहू जो है आज तक उस देश के लिए कार्य कर रहा है हालेलुया हालेलुया blood is working for that family even today. और वो लहू जो है उस परिवार के लिए आज भी कार्य कर रहा है हालेलुया हालेलुया the blood is working for them even today. और आज भी वो लहू उनके लिए कार्य कर रहा है the blood is still pushing them into freedom. और वो लहू अभी भी उन्हें आजादी की ओर जो है ले जा रहा है God is fighting their battles. और वो लहू उनके युद्ध को और केवल सर घर का जो प्रमुख व्यक्ति है वो ही उस लहू का उपयोग करता था others were inside. और बाकी के सारे अंदर थे Some might not even know what daddy is doing out. और कुछ लोगों को ये पता भी ना होगा कि पिताजी बाहर क्या कर रहे हैं But that did not change, that did not affect what God was about to do with them. लेकिन परमेश्वर जो करना चाह रहा था उससे कुछ भी असर नहीं पड़ा फर्क नहीं पड़ा You might have family people that don't understand your relationship with God. आपके परिवार के लोग ऐसे होंगे जो आपका रिश्ता यीशु के साथ है उसके बारे में जानते You might have family people, father, mother, brother, sister, son, daughter that are not in a right relationship with God. और आपके परिवार के सदस्य ऐसे होंगे माँ पिताजी भाई बहन और बेटा बेटी जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में ना हो That does not matter at all, I'm telling you. लेकिन मैं आपको बताऊं इससे बिल्कुल कोई कुछ भी असर नहीं पड़ता If you as the head of the house take blood and apply it on the doorpost of your family. यदि आप घर के प्रमुख व्यक्ति होने के नाते आप लहू को लेकर यदि आपके घर के द्वार फाटक पर चौखट पर आप लगाते हैं That blood is powerful to save everyone in the house. वो लहू जो है इतना सामर्थ्य कि उस घर के सारे सदस्यों का उद्धार करे That he knows God or he doesn't know God. चाहे वो व्यक्ति प्रभु को जानता हो या न जानता हो Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है we read the later part of Exodus, और निर्गमन के अंतिम भागों में the Israelite slaves had some Egyptian friends. और इसराइली जो है गुलामी के समय में कुछ मिस्री मित्र भी उनके थे So when the Lord spoke to the Israelites to go into the house, और इसलिए जब परमेश्वर ने इसराइलियों को अपने घर जाने के लिए कहा some Egyptians also came inside the house and sat with them. और कुछ मिस्री लोग भी उनके घर में आकर बैठ गए They were not people who knew God. और वे ऐसे लोग थे जो प्रभु को नहीं जानते They were not people chosen by God. परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग नहीं थे But even though they did not know God, लेकिन फिर भी जबकि वे परमेश्वर को जानते भी नहीं थे they were still protected because they were inside the house of which the blood was. और फिर भी वे सुरक्षित रखे गए क्योंकि वे उस लहू के अंदर थे जिस घर पर लहू लगाया गया था It doesn't matter who's inside as long as the blood is on the outside. और अंदर कौन है इसकी कोई परवाह नहीं वो जब तक वो लहू बाहर जो लगाया गया Hallelujah. Hallelujah. Don't be worried that so and so in my family still does not know the Lord. इस बात की चिंता ना करें कि अरे मेरे परिवार में ऐसे ऐसे व्यक्ति वे प्रभु को नहीं जानते don't be discouraged saying that so and so in my family has backslidden from the Lord and fallen from grace. निराश ना हो जाएं कि अरे ऐसे ऐसे अमुक व्यक्ति मेरे घर परिवार में जो है पीछे हट गया और अनुग्रह से गिर चुके हैं No, you take your position as the head of the house. नहीं घर के प्रमुख व्यक्ति होने के नाते आप जो है अपने स्थान को बराबर लें You take your position. अपने स्थान पर आप आ जाएं You take the blood today. आज आप उस लहू को लें
apply it on the doorpost of your house. आपके घर के द्वार चौखट पर आप लगाएं. And declare it in your spirit. और अपनी आत्मा में इस बात को घोषणा करें. This is the blood that will deliver my dynasty. ये ऐसा लहू है जो मेरे वंशज को बदल देगा. Hallelujah. Hallelujah. And the blood is able to bring a change. और वो लहू बदलाव को लाने के लिए काबिल है. The blood is able to change the future of your generation. और आपकी पीढ़ियों के भविष्य को बदलने के लिए लहू काबिल है. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says the children of the righteous will lack no good thing. बाइबल बताती है कि धर्मी के बच्चे किसी भी बात की कभी घटी ना होगी. Lions may grow weak and hungry. हो सकता है कि जवान सी भूखे रह जाएंगे, कमजोर होंगे. Hallelujah. Hallelujah. The lions can eat anything अपने लिए. और मैं आपको बताऊं, सी तो कुछ भी खा सकते हैं. They could be weak and hungry. और वे कमजोर होंगे, वे भूखे रहेंगे. But people like you and me. लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग. Who eat good quality mutton and chicken. जो बहुत ही उत्तम दर्जे के मटन चिकन खाते हैं. Will never lack any good thing. कभी भी किसी भले बात की घटी नहीं होगी. Hallelujah. 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 Yes, we desire the best. हाँ, हम और हम जो है बेहतरता के हम काबिल हैं. The Lord says you will lack no best in your life. और परमेश्वर कहता है कि तुम अपने उसका दूसरा अध्याय 12 और 13 वचन. What else does the blood do for us? और लहू और भी हमारे लिए क्या करता है? Ephesians chapter 2. Ephesians का दूसरा अध्याय. Verse 12 and 13. 12 और 13 वचन. Yeah, we can read that first. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो. Amen. Amen. The first thing that we saw this morning was this. और इस सुबह का समय पहली बात जो हमने देखी वो ये थी. That we were living a life that we didn't know where it was heading. कि ऐसा जीवन हम जी रहे थे, हमें ये पता नहीं थे कि ये जीवन हम कहाँ जा रहा, किसकी ओर. From one challenge to another. एक चुनौती से दूसरी चुनौती की ओर. From one year of slavery to another year of slavery. एक गुलामी के वर्ष से अगले गुलामी के वर्ष. From one area of slavery to another area of slavery. एक गुलामी के भाग से दूसरे गुलामी के भाग की ओर. We saw how the blood of Jesus delivers our dynasty. लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु का लहू हमारे वंशजों को पीढ़ियों को बदल देता है. So once me and my family, my generations are delivered from the slavery. एक बार जब मैं और मेरा परिवार पीढ़ी इस गुलामगिरी से जब आजाद हो जाते हैं. Then what next? Where do we go? तो अगली बात क्या, हम कहाँ जाते हैं? What is the direction? और कौन सी दिशा है काम? Where are we heading? What should we do? अब किसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है? The second thing that the blood does is this. दूसरी बात जो लहू करता है वो ये है. First, the blood delivers your dynasty. पहली बात जो लहू आपके वंशज पीढ़ी को बदल देता है. Second, the blood defines your destiny. और दूसरा पर वो लहू आपके लक्ष्य और मंजिल को जो है निर्धारित करता है. Gives you and your generations direction and focus in life. आपको और आपकी पीढ़ी को जीवन में एक दिशा को दर्शाता है. Now, again, go back to the Old Testament. और दोबारा मैं पुराने नियम में जाना चाहूंगा. Man, God created, God made Adam. परमेश्वर ने आदम को बनाया. Pulled out Eve out of Adam. और हव्वा को आदम से निकाला. They had, you know, they sinned, they went away from God, they had children, and you know, the earth just began to multiply. उन्होंने पाप किया, परमेश्वर से दूर हुए, उनके बच्चे और इस प्रकार से भी बढ़ते हैं, बातें बढ़ती हैं. But the moment this first couple left the Garden of Eden, लेकिन पहले क्षण जब इन दोनों ने उस एदेन के बगीचे को छोड़ा, they had no direction in life. और जीवन में कोई दिशा ही उनके पास नहीं थी. Absolutely did not know what they were supposed to do. पूर्णता से उनको बिल्कुल पता नहीं था कि उनको क्या कुछ करना है. They were living with the curse that God put upon them. और वे श्राप में जी रहे थे जो परमेश्वर ने उन पर डाला था. They had no direction in life. और जीवन में कोई दिशा ही नहीं थी. The earth began to multiply. और वो जो है पृथ्वी बढ़ने लगे. God looked up from heaven. परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा. And said, man is directionless. और परमेश्वर देखा कि मनुष्य को कोई दिशा ही नहीं. He has no goal regarding his destiny. और अपने लक्ष्य और मंजिल के प्रति कोई लक्ष्य ही नहीं है. He does not know the plans I have for him. और उनके उसके प्रति जो मेरे पास योजना उसे तो जानता ही नहीं. He does not know where I intend to lead him. और मैं उसे कहां पर अगुवाई करने की मंशा मेरी है से तो वो जानता ही नहीं. It was just like all of us climbing into a bus and not knowing where we are going. और ऐसा है मानो हम सभी जन बस पर चढ़ रहे हैं और हम ये नहीं जानते हम कहां पर जा रहे हैं. They were going but not knowing where.
वे जा तो रहे हैं लेकिन कहां पर जा रहे हो पता नहीं. Man was just living and multiplying but not knowing for what. और मनुष्य केवल बहुगुणित हो रहा था लेकिन ये पता नहीं था कि किस बात के लिए ऐसा हो रहा. God says let me bring some clarity. और परमेश्वर ने कहा मैं इस बात में थोड़ी सफाई लाता हूं. Out of all the people. और सारे लोगों में से. Somehow he chooses Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को चुना. And says let me give some direction to Abraham. और उसने कहा कि मैं अब्राहम को दिशा दर्शाऊंगा. Because Abraham was also like all the others. क्योंकि अब्राहम भी दूसरे लोगों के जैसा ही वो था. Looking at the stars, the sun, moon. और केवल तारों की ओर चंद्रमा और सूरज की ओर देखा. No direction in their life. उनके जीवन में कोई दिशा ही नहीं थी. God chooses Abraham. परमेश्वर अब्राहम को चुनता है. Speaks to him about him and his future. और उसके और उसके भविष्य के बारे में उसे कहता है. Gives a direction to Abraham and his dynasty. और अब्राहम और उसके वंशज पीढ़ी के लिए दिशा को वो देता है. Hallelujah. Hallelujah. Now need to understand clearly. और इस बात को सफाई से जानना महत्वपूर्ण है. God did not do it for all mankind. परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए नहीं उसने ऐसा किया. Abraham and his wife Sarah were not the only two people living on the earth at that time. अब्राहम और सारा केवल दो ही व्यक्ति इस पूरे संसार भर में नहीं जी रहे थे. Nor did he tell Abraham that Abraham after I tell you you go and tell everyone else the same thing. ना तो परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा कहा कि मैं अब्राहम तुझे बताने के बाद सारे लोगों से तू ऐसा बता. ऐसा भी नहीं कहा. What he did with Abraham was personal to Abraham and to his generations. और अब्राहम से जो परमेश्वर ने कहा किया वो व्यक्तिगत स्वरूप से अब्राहम और उसके वंशज के लिए था. Hallelujah. 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 So now you have the whole earth. अब पूरी पृथ्वी है. You have like you know, you have just one family with some direction. और आपके पास एक परिवार है और उसको परमेश्वर ने एक दिशा दर्शाई. And all the others are still continuing in their own way of life. और बाकी के सारे लोग अपने जीवन के उसी दिशा में जो है जा रहे हैं. Abraham and Isaac. अब्राहम के बाद इसाक. Isaac had children. और इसाक के बच्चे हुए. They had children. और उनके बच्चे हुए. They began to multiply. और वे बहुगुणित होने लगे. As days passed by. और जैसे दिन बीतते चले गए. It was found. और उसे ऐसा पता चला. That there was a group of people that had direction. There was a larger group of people that had no direction from God. और ऐसे झुंड थे जिनको परमेश्वर की ओर से दिशा प्राप्त थी और बहुत ही बड़ी संख्या में ऐसे झुंड थे जिनको कोई दिशा ही नहीं थी. And you and I fall among that second group, that large group that had no direction. और आप और मैं हम उस झुंड में आते हैं जिनको बड़ी और बड़ा जो संख्या में आते हैं जिनको कोई दिशा ही नहीं है. Hallelujah. 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 No, it's like two children in the house. और मानो ऐसा है कि घर में दो बच्चे हैं. And you know all the love and all the favor and all the good pieces of chicken and mutton just go on that one plate. और सारा प्रेम और सारा आदर और सारे जो अच्छा चिकन मटन एक ही प्लेट में जाता है. But there is this other child. लेकिन दूसरा बच्चा है. Who doesn't just get much. वो इतना काफी कुछ नहीं पाता. Living in the same house. और उसी एक घर में वो रह रहा है. Children to the same creators. और एक ही रचनात्मक का के वो बच्चे हैं. But didn't enjoy equality. लेकिन जो है एक समांतरता की बात का वो लुत्फ नहीं था. The earth was something like that. और पृथ्वी भी ऐसे ही कुछ थे. Abraham and his generation was chosen and favored by God. और अब्राहम और उसका वंश परमेश्वर के द्वारा चुना और परमेश्वर के द्वारा जो है अनुग्रहित था. But there were people like you and me who had no clue what we were doing. लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग थे जिनको बिल्कुल कुछ भी अंदाजा नहीं था कि हम क्या कुछ कर रहे हैं. Hallelujah. 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 And God looks from heaven. तो परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा. He looks at our sad faces. और हमारे उदास चेहरों की ओर उसने देखा. Hallelujah. Hallelujah. Look at him how sad he is. और उसने देखा कि कितना ही उदास. Let me do something for him. मुझे मैं इसके लिए कुछ करूंगा. Let me also get him into this family. और मैं इसे भी इस परिवार में जोड़ देता. Let me give him as well some direction. और उसे भी मैं कुछ ऐसी दिशा को मैं दूंगा. Till now they did not know who they were, what they were doing, where they are heading. What is their destiny? और अब तक ये वो नहीं जानते कि वो कौन है, वे क्या है, वो कहाँ पर जा रहे हैं, उनका लक्ष्य और मंजिल क्या है? But there is Abraham in this generation that knows who they are, knows what they have, and knows where they are heading. लेकिन अब्राहम है वो जो जानता है वो क्या है, वो क्या, वो कहाँ पर जा रहे हैं और कैसे हैं? So God wanted to bring us all together. वो परमेश्वर हम सबों को एक करना चाहता है. He wants us also to have that direction and the clarity regarding our destiny. और वो चाहता था कि हमें भी उस दिशा को प्राप्त हो, उस मंजिल को प्राप्त हो. And here the blood comes. और यहाँ पर फिर लहू आता. Hallelujah. 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 For people like you and me who had no idea of who we are or what we have. और आपके और मेरे जैसे लोग जिनको बिल्कुल पता नहीं कि हम कौन हैं या हमारे पास क्या कुछ है. The blood of Jesus came. यीशु का लहू आया. Hallelujah. Hallelujah. We had no idea of our destiny. हमारे लक्ष्य और हमारी मंजिल का
बिल्कुल हमें पता ही नहीं था. The blood defined our destiny. लहू ने हमारी मंजिल को निर्धारित किया. Hallelujah. Through the blood of Jesus Christ. और यीशु के लहू के द्वारा. You and I now become family members with Abraham. आप और मैं अब अब्राहम के साथ एक परिवार हो जाते हैं. We now share the same great 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 grandfather and his name was Abraham. हम उसी महान महान जो है बहुत ही पूर्वज जो हमारे वो जो है दादा परदादा को जानते और उसका नाम जो है अब्राहम. Hallelujah. Hallelujah. We were clueless before. और पहले हमारे पास कोई भी अंदाजा या कोई बात जानकारी नहीं. But now we have a defined destiny. लेकिन हमको पहले निर्धारित की हुई अब मंजिल हमारी. The Holy Spirit is asking you this question today. पवित्र आत्मा आज ये प्रश्न आपसे पूछता है. Do you know your destiny? क्या तुम अपनी मंजिल को जानते हो? Do you know what God has given you? परमेश्वर ने क्या तुम्हें दिया है क्या उसे आप जानते हो? Do you know what you have with you? आपके पास जो है क्या तू उस बात को जानता है? Do you know what God has provided for you? क्या तू जानता है कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या मुहैया कराया? Do you know where you are heading? और तू किसकी ओर कहां पर जा रहा क्या तू जानता है? Do you know what God demands of you? और परमेश्वर आपसे क्या कुछ चाहता है क्या आप जानते हो? Because if you say that you have the blood of Jesus for you, क्योंकि यदि आप कहते हो कि यीशु का लहू आपके लिए है, then you better should know your destiny. तो बेहतर आपका लक्ष्य और आपकी मंजिल आपको पता होनी चाहिए. Why was the blood of Jesus shed on the cross? यीशु का लहू क्रूस पर क्यों बहाया गया? So that people like you and me who did not know where we were going could finally find the right path and the right direction to our future. ताकि आपके और मेरे जैसे लोग जहां पर पता नहीं चल रहा था कि हम कहां पर जा रहा था, उसके बाद हमें ये पता चले कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य मंजिल हमें पता चले. I want to speak to people who are confused regarding decisions in your life. और ऐसे लोगों से मैं बातें करना चाहूंगा जो अपने जीवन में एक निर्णय लेने के प्रति हामी नहीं भरते. I want to speak to families who are confused every time they want to take a decision. और ऐसे परिवारों से मैं बात कर रहा हूं जो हमेशा जो कोई निर्णय लेने में बहुत ही दुविधा उनको होती है. You need to use the blood of Jesus in your house. आपके घर में यीशु का लहू का उपयोग आप करना. When the blood of Jesus is available. क्योंकि जब यीशु का लहू उपलब्ध है. The path ahead of you is defined and clear. और आपके आगे जो रास्ता है वो निर्धारित किया हुआ और साफ है. The Bible says you will not strike your foot against a stone. और बाइबल बताते हैं कि आपके पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी. Because when you know your destiny. क्योंकि जब आपके लक्ष्य को आप पता चल जाएगा. Walk the path that God has chosen for you. ऐसे रास्ते पर जब आप चलते हो जिस मार्ग को परमेश्वर ने आपके लिए चुना है. You will not be walking on the ground at all. तो आप जमीन पर तो बिल्कुल चलोगे ही नहीं. हर बार जब आप जमीन पर चलते हो हर बार पत्थर से आपको ठेस लगती है. बहुत सारे पत्थर है बहुत सारे जो चट्टाने हैं और ये तो सामान्य बात है कहीं ना कहीं तो मुझे लगना ही है लगेगा ही. हालेलुया. But when I walk my destiny, लेकिन जब मेरे लक्ष्य मंजिल की ओर मैं चलता हूँ, foot will not strike against the stone. और मेरा पांव जो है पत्थर से ठेस नहीं लगेगा. I will walk above the stones. और मैं उन पत्थरों के ऊपर चलूँगा. Challenges would be there. हो सकता है कि चुनौतियाँ होंगी. But they would be right under my feet. लेकिन मेरे पांव के नीचे वो चुनौतियाँ. The devil will come. शैतान आएगा. But where would he be? लेकिन वो कहाँ पर होगा? Under my feet. मेरे पांव के नीचे. You are not kicking the devil. आप शैतान को मार नहीं रहे हो लात नहीं मार रहे. You are just walking over. आप उसके ऊपर चल रहे हो. When you know your destiny, जब आपके मंजिल और लक्ष्य को आप जानते हैं. Why do I read the Bible? मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूँ? I read the Bible to understand my destiny a little more better. और भी मेरे जो है मंजिल को और भी बेहतर स्वरूप से जाने के लिए मैं पढ़ता हूँ. Why am I praying? क्यों मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? I'm praying to understand my destiny a little more better. और मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे लक्ष्य और मंजिल को और भी सफाई से मैं और भी ज्यादा जान सकूं. Lord, tell me who I am, Lord. परमेश्वर मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ. What I can do, Lord. परमेश्वर मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ. You know, when a father or a mother is raising up a small child. देखिए जब एक माँ या पिताजी या छोटे से बच्चे को जब बढ़ाते हैं. The father and the mother is always telling the child what the child can do. और वो पिता और माँ हमेशा उस बच्चे को बताते रहते हैं कि वो बच्चा क्या कुछ कर सकता है. You can walk. अरे तू चल सकता. You can run. तू दौड़ सकता. You can write well. और तू अच्छे से लिख सकता. You can color well. और तू अच्छे से रंग भर सकता. Everything about education is telling a person what that person can do. और हर एक बात पढ़ाई के विषय में उस बच्चे को ये बताना होता है कि वो व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है. The same has to be in our spiritual life. यही बात हमारे आत्मिक जीवन के प्रति होनी चाहिए. Every day you need to know a little more of yourself. हर एक दिन अपने आप के बारे में और भी ज्यादा आप जानना चाहिए. Anyone listening to me here? क्या यहाँ पर कोई मेरी बात सुन रहा है? Every day you need to know a little bit of yourself. और हर एक दिन अपने आप के बारे में और भी ज्यादा आप जान
जानना चाहिए. We spend so much time trying to know God. बहुत सारा समय हम परमेश्वर को जानने के विषय में. Let me break this to you this morning. लेकिन इस सुबह कसम इस बात को मैं बताना चाहता हूँ. If you cannot know yourself, you can never know God. यदि आप अपने आप को नहीं जानोगे तो आप परमेश्वर को भी नहीं जान पाओगे. Hallelujah. Hallelujah. If you cannot understand yourself, whom you see for so many hours over the mirror every day, how can you understand a God you've never seen? यदि आप अपने आप को जो कई घंटों भर आप आईने में अपने आप को देखते हो अपने आप को नहीं जान पाओगे तो जो आप परमेश्वर को नहीं देखते हो कैसे उसे फिर जानोगे? What does the blood do? और लहू क्या करता है? It defines your destiny. आपके मंजिल और लक्ष्य को वो निर्धारित करता है. First it delivers your dynasty. और पहले वो आपके पीढ़ियों वंशजों को वो स्थापित करता है. Second it defines your destiny. दूसरा वो आपके मंजिल को निर्धारित करता है. That's what is written in Ephesians 2:12-13, the portion that we read. और यही बात इफिसियों दूसरा अध्याय 12-13 जो अभी हमने वचन पढ़ा उसमें लिखा. And third I want to read this and finish. Revelations 12:11. और तीसरी बात इस बात को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ. प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय 11वां वचन. Revelations 12 we read 10 and 11. और प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय 10 और 11वां वचन. Come on everyone turn your Bibles to Revelations 12:10-11. और हर एक जन अपने बाइबल को खोले प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10 और 11वां वचन. फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली. हालेलुया. हालेलुया. First the blood delivers your dynasty. और पहला लहू जो है आपके पीढ़ियों वंशजों को बदल देता. The blood defines your destiny. और दूसरी बात अब वो लहू आपके मंजिल को निर्धारित करता है. The blood dominates the enemy. और तीसरा लहू जो है शत्रु पर जो प्रभुता करता. 10 and 11 Revelations 12 what does it say here? और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का 10 और 11वां वचन क्या कहता है? It says the accuser of the brothers has been thrown down. और ऐसा लिखा है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया. Now this is futuristic here. Listen to me. ये भविष्य में होने वाली बात है, जरा ध्यान दीजिए. The devil has been ripped off of all his power. और शैतान को सारे उसके सारे अधिकार छीन लिए गए. You got to listen to this very carefully. और इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए. He you know and John sees like this. और यूहन्ना इस प्रकार से देखता है. That the devil who is behind believers. और तो शैतान जो विश्वासियों के पीछे लगा रहता है, has been ripped off his powers and thrown down. उसका अधिकार उसे छीन लिया गया, उसे नीचे फेंक दिया गया. And then he writes like this. और इस प्रकार से आगे लिखता है, the accuser of the brethren has been destroyed and he's thrown down. भाइयों पर दोष लगाने वाला वो जो है नीचे गिरा दिया गया. And hey, do you know something? अरे क्या तू कुछ बात जानता है? While this devil was there, और जब ये शैतान वहाँ पर था, working in the lives of believers, और विश्वासियों के जीवन में जो काम कर रहा था, do you know how did they overcome him? क्या आप जानते हो कैसे उस पर जयवंत ये लोग हुए? Believers overcame the devil by the blood of the lamb. विश्वासी लोग शैतान पर मेमने के लहू के द्वारा जय पाते. There is only one way you can defeat the devil, and that's by the blood of Jesus. एक ही तरीका है जिसको द्वारा शैतान को हरा सकते हो, वो है यीशु का लहू. When you have the blood of Jesus, जब यीशु का लहू आपके पास होता है, I'm telling you, you dominate the enemy. मैं आपको बताऊं कि शत्रु पर आप प्रभुता करते हो. You don't do what he says, he does what you say. जो वो कहता है वैसा आप नहीं करते, लेकिन जो आप कहते हो वैसा वो करने लगते. Is in the blood. और जीवन जो है वो लहू में है. I say the blood of Jesus. जब मैं यीशु का लहू कहता हूँ, I'm talking about the life of Jesus. मैं यीशु के जीवन के बारे में कह रहा हूँ. Hallelujah. Hallelujah. You overcome the devil by the life of Jesus that you live. आप शैतान पर जय जो है यीशु के जीवन के द्वारा, जो जीवन आप जियोगे यीशु का जीवन उसके द्वारा जय. Why do I want the blood of Jesus? मुझे यीशु का लहू क्यों चाहिए? Because that blood has his life. क्योंकि उस लहू में उसका जीवन है. Hallelujah. Hallelujah. The blood has his life. और उस लहू में उसका जीवन है. When that blood is available for me every day. और वो लहू जब प्रतिदिन मेरे लिए उपलब्ध होगा. The devil doesn't destroy me, I dominate him. और शैतान मुझे नाश नहीं कर सकता, मैं उस पर प्रभु.
खुदा करता हूं द बाइबल इज ऑल इन वन सर्कल और बाइबल पूर्णता से एक जो घेराव में है देयर इज पावर इन आवर वर्ड्स हमारे शब्दों में सामर्थ्य है आवर वर्ड्स कैन चेंज आवर सराउंडिंग हमारा शब्द हमारे जो वातावरण को बातों को बदल सकता है लेट्स जस्ट ऑल कनेक्ट दिस टुगेदर अब आइए इन सारी बातों को एक साथ जोड़ दें द ब्लड ऑफ जीसस इज अलाइव इन मी जब यीशु का लहू मेरे अंदर जिंदा है व्हेन आई लिव एवरी डे विद दिस कॉन्शियस रियलाइजेशन दैट द ब्लड ऑफ जीसस इज इन मी जब लगातार इस मनसा के साथ में जीता हूं कि यीशु का लहू मुझ में जीवित है and with that knowledge when I start speaking words into my life और जब इस ज्ञान समझ के साथ मैं अपने जीवन में उस शब्दों को बोलता हूं I start speaking words into my surrounding और मेरे इर्द-गिर्द बातों में मैं इंसान बातों को जब मैं बोलता हूं the devil who's working against me और शैतान जो मेरे विरोध में काम कर रहा हूं begins to get bogged down because by my words and by the life that is in me through the blood of Jesus I begin to dominate him और वो नीचे झुक जाता है दब जाता है क्योंकि यीशु का लहू जो मेरे जीवन पर जो जीवन में जी रहा उसके द्वारा मैं उसे अधिकार रखता हूं I want to give you the secret try this week I want to tell you और मैं इस रहस्य को आपको बताना चाहता हूं इस सप्ताह आप ऐसा करने का all those who are looking for increment in your salaries this is your tip सारे लोग जो अपनी तनख्वाह बढ़ने की बात सोचते हैं उनके बारे में ये है find out the person in your office who is responsible to increase your salaries और आपके ऑफिस में ऐसा व्यक्ति जो आपके बढ़ती के लिए तनख्वाह की बढ़ती के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको देखिए identify him identify where he sits और उसको आप पहचान ले और कहां पे बैठता है वो भी जान ले before you leave to work in the morning और सुबह आप काम करने के लिए निकलने से पहले spend time with the lord परमेश्वर के साथ समय बिताओ meditate on his blood उसके लहू पर मनन करें get that life of that blood in you उस लहू का जीवन अपने आप में आप ले लें let the blood of jesus be all over you यीशु का लहू पूर्णता से आप पर रहने पाओ know yourself who you are what you have what you're destined to be अपने आप को जान ले कि आप कौन हो आप क्या हो और किस बात के लिए आप निर्धारित किए गए हो go to office 10 minutes before that person comes वो व्यक्ति आने से भी पहले 10 मिनट पहले आप ऑफिस में पहुंचे go into his room or stand outside his room और उसके कमरे के अंदर जाए या उसके कमरे के बाहर खड़े रहें just speak out what you want there और आपको क्या चाहिए वहां पर आप बोलें Speak out an increase over your life. और आपके जीवन में बढ़ती की बात घोषणा करें. Speak out a promotion. एक प्रमोशन बढ़ती की आप घोषणा करें. I'm telling you that man need not hear it. मैं आपको बताऊं कि उस व्यक्ति ने सुना भी नहीं है. But when you start speaking it out, लेकिन जब आप बोलने लगोगे, the devil in your office that has been stopping your growth and your promotion for a long time. आपके ऑफिस में जो शैतान है कई लंबे समय से आपकी बढ़ती प्रमोशन जिसने रोक रखा है. When he starts listening to you speak with authority and in the blood of Jesus, जब अधिकार से और यीशु के लहू से बोलते हुए जब वो आपको सुनेगा. He's going to get bogged down. और वो नीचे दब जाएगा. Hallelujah. 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 And your word has power. और आपके शब्दों में सामर्थ्य है. People those who are looking for promotions do this. जो लोग प्रमोशन की बात जो रहे हैं ऐसा आप करें. Hallelujah. Hallelujah. See, understand that the confidence is not in how you do it, but the confidence is in the blood of Jesus. देखिए ये जो आत्मविश्वास है आप जो करते हो उस पर आत्मविश्वास नहीं लेकिन यीशु के लहू में वो आत्मविश्वास. Hallelujah. Hallelujah. It's not about me, it's about His blood. मेरे विषय में नहीं मेरे बारे में नहीं पूर्णता से यीशु के लहू में. Bible says I will lack no good thing. बाइबल बताती है मुझे किसी भरी बात की घटी ना. Bible says I will not borrow, but I will lend to many nations. बाइबल बताती है कि मैं लूंगा नहीं मैं कर्ज नहीं लूंगा कई देशों को कई लोगों को मैं दूंगा. Lord, according to that promise, I declare in my office right now that the income that I have is not sufficient to live this promise. प्रभु वचन के मुताबिक मैं मेरे ऑफिस में घोषणा करता हूं कि मैं तनख्वाह जो इस समय पा रहा हूं मेरे लिए काफी नहीं है. It's not enough to live this promise. और इस वायदे को जीने के लिए ये काफी नहीं है. So right now I declare in my spirit. और इस समय मेरी आत्मा में इस समय घोषित मैं करता हूं. Speak it out with my mouth. और मेरे मुंह से इसको मैं बोलता हूं. With the life that is in me with the blood of Jesus. और यीशु के लहू के द्वारा जो जीवन मुझ में है उसके द्वारा. Let the change come. कि वो बदलावट आ जाए. Let that increase come. वो बढ़ती So that I will rise above my needs and move into abundance. ताकि मेरी जरूरत से मैं ऊंचे उठकर मेरी बहुतायत में मैं जीने रहूं. I'm telling you these words that you will speak with that power. लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जो ये शब्द बोलोगे इसमें सामर्थ्य होगा. It was words that created the universe. और ये शब्द ही था जिसने सारी संसार की रचना की. I'm telling you the words can create some rupee notes for you as well. मैं आपको बताऊं कि ये शब्द जो है ये आपके लिए रुपए के ये नोट भी तैयार करे. God is interested in your overall development. और परमेश्वर आपके बहुतायत के कार्यों को वो दिलचस्पी रखता है. हालेलुया. हालेलुया. I cannot be a true worshipper if my pocket is empty. यदि मेरा बटुआ खाली है तो मैं सच्चा उपासक नहीं बन सकता. I cannot worship God with my whole heart if my children are hungry. यदि मेरे बच्चे भूखे हैं तो पूरे हृदय से मैं परमेश्वर की उपासना नहीं कर पाऊंगा. God knows that. परमेश्वर इस बात को जानता है. He does not expect that either. और वो ऐसा अपेक्षा भी नहीं कर सकता. So what does he want to do? इसलिए वो क्या चाहता है? He wants to bless us with so much that we have so much in abundance and our heart is filled with joy and when we come into his presence we are worshiping him with everything we are और इतने बहुतायत से हमें आशीर्वादित करना चाहता है कि हमारा बहुतायत से हमारा हृदय इतना प्रसन्नित और इतना भरपूर रहे
लेके आओ, उसकी उपस्थिति में हम उसकी बढ़ाई करें। Anyone listening to me this morning? Yes, sir. सारे कोई मेरा सुन रहा? Hallelujah. Hallelujah. We have the blood of Jesus. हमें यीशु का लहू हमारे पास। Hallelujah. Hallelujah. The blood delivers our dynasty. यीशु का लहू हमारे वंशज और पीढ़ियों को बदल देता। The blood defines our destiny. और यीशु का लहू हमारे लक्ष्य मंजिल को निर्धारित करता। The blood of Jesus that's in your life dominates the enemy. यीशु का लहू जो आपके जीवन में है, शत्रु पर प्रभुता करता है। Hallelujah. Hallelujah. Dominate the enemy. और शत्रु पर प्रभुता करता। When you see situations change around you. जब आप आपके सारे स्थिति को आप बदलता हुआ देखो। When you see the enemy trying to bring something against you. जब आप देखेंगे कि शत्रु आपके विरोध में कुछ लाना चाहता है। Use your position, use your authority in the position that the blood of Jesus has given. और यीशु के लहू ने जो आपको स्तर और पदवी दी है, उस स्तर का उपयोग करें। Hallelujah. Hallelujah. Use the position and the authority that the blood of Jesus has given. यीशु के लहू ने जो अधिकार और पद आपको स्तर दिया है, उसका उपयोग करें। Hallelujah. Hallelujah. We are created to dominate the enemy. और हम शत्रु पर प्रभुता करने के लिए बनाए गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are created to dominate the enemy. और शत्रु पर प्रभुता करने के लिए हम बनाए गए हैं। I enjoy Tom and Jerry. और Tom and Jerry में बहुत ही लुत्फ उठता है। Tom big, however big, is always chased by that small Jerry. और Tom कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटे से चूहे के द्वारा जो भगाया जाता है। It pretty much reflects how we live our lives. और ये बहुत ही प्रतिबिंबित है कि कैसे हम अपना जीवन जीते। However big God has created us to be. कितना भी बड़ा परमेश्वर ने हमें बनाया होगा। We keep running away from that small devil who keeps pricking us with all the weirdest things. और छोटे से शैतान के द्वारा जो कई बातों के द्वारा हमें चुभोता रहता, भागते रहता। Hallelujah. Hallelujah. I think it's now time to stop running and stand there and turn at the devil and make him realize how small he is. लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस समय कि हम खड़े हो जाएं और शत्रु को बता दें कि वो कितना छोटा है। Not in our capacity. हमारी काबिलियत के स्वरूप में नहीं। We as individuals cannot stand against. हम व्यक्ति का स्वरूप से उसके विरोध में खड़ा नहीं हो सकते। He is an angel and I'm just a man. और वो तो दूत है और मैं तो केवल मनुष्य हूँ। When I stand on the position and the authority that the blood of Jesus gives. लेकिन जब मैं यीशु के लहू के द्वारा जो अधिकार और जो स्तर मुझे दिया है, उस स्तर में जब मैं खड़ा होता हूँ, I begin to dominate the enemy. और मैं शत्रु पर प्रभुता करने लगता हूँ। Hallelujah. 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 Let's rise up to our feet. आइए हम सब जन खड़े हो जाएं।